एनसीएल प्रबंधन द्वारा लोगों के जमीन लेने पर करीब 30,000 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए आईएचआर सीसीओ के महासचिव अमित तिवारी ने एनसीएल मुख्यालय के आसपास ही विस्थापितों के लिए प्लॉट की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रेस वार्ता कर बताया कि देश में सबसे बड़ा विस्थापन मोरवा का होने जा रहा है, जिसमें करीब 30,000 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। विस्थापन से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। आम नागरिक विस्थापन मुद्दे पर जानकारी को लेकर असमंजस में है। विस्थापन मुद्दे पर कोई भी बात बंद कमरे में नहीं, खुले मंच पर होनी चाहिए और सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के आसपास ही विस्थापितों को प्लाट दिया जाए। लेकिन अभी तक विस्थापितों के लिए क्या प्लान है, क्या योजना है, क्या इन्होंने प्रावधान रखा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश है, इसलिए हम लोगों को सामने आना पड़ा। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि सारे लोगों का मत लिया जाए, छोटे छोटे पैच में मीटिंग किया जाए, जितने वार्ड विस्थापित हो रहे हैं उस वार्ड के हर मोहल्ले में एक मीटिंग कर ली जाए, उसमें एनसीएल के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, प्लस यहाँ के जो विस्थापित मंच के लोग हैं वो लोग भी शामिल रहें, सारे लोग, कुछ गणमान्य लोग जो उस इलाके के हों उनको भी शामिल किया जाए और सबका विचार लेके एक डिसीजन पर आया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।